प्यारे सहपाठियों, आज की दिन के नई शुरुआत के साथ आज फिर हम आपके सामने प्रस्तुत होकर के एक नए अध्याय की ओर अग्रसर हैं। ये जो नया अध्याय जो आपके सिलेबस में है वो महादेवी वर्मा से कृत एक संस्मरणात्मक निबंध है जिसका नाम है प्रणाम। प्रस्तुत निबंध या प्रस्तुत संस्मरणात्मक रेखा चित्र निबंध महादेवी जी ने अपने गुरु या अपने साहित्यिक गुरु के अंतर्मन, उनकी साहित्यिक लेखनी, उनके विचार, उनकी कार्यशैली, इन सब को संबोधित करते हुए हमारे सामने प्रस्तुत किया है जिसका शीर्षक है प्रणाम। प्रणाम के बारे में हम शुरू करने से पहले महादेवी जी के बारे में पढ़ लेते हैं। महादेवी वर्मा आपको पता है कि हिंदी साहित्य की छायावादी युग की एक प्रमुख कवयित्री है। ये भी प्रमुख छायावाद के स्तंभकारों में से एक है। इनका जन्म 1907 में फरुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 1987 में 1987 में हुई थी। महादेवी वर्मा जी ने अपने साहित्यिक परंपरा में सबसे पहले ब्रज भाषा में रचनाएं लिखी, लेकिन धीमे धीमे वो अनेक भाषाओं में रचनाओं को रेखांकित करते हैं। महादेवी वर्मा, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं आपके सामने हैं रूप में, इनकी प्रमुख रचनाओं में निहार, रश्मि, निर्जा, सांदेगी, मेरा परिवार, पथ के साथी और देवशिका, ये की प्रमुख रचनाएं हैं। वैसे और भी रचनाएं हैं और भी कहानियां हैं, लेकिन मुख्य तौर से आपको ये नाम याद होने चाहिए। महादेवी वर्मा प्रमुख गद्यकार भी रही है। उनकी रचनात्मकता का उत्कर्ष संस्मरणात्मक गद्य में दृष्टिगत होता है। इनकी स्मृति की रेखाएं और अतीत के चलचित्र महादेवी के संस्मरणात्मक गद्य की रचनाओं का संकलन है। महादेव वर्मा का जो प्रस्तुत यह संस्मरणात्मक निबंध जो है, यह निबंध रविंद्रनाथ टैगोर के प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता है। रविंद्रनाथ टैगोर से महादेवी वर्मा प्रभावित थी। इनकी साहित्यिक
जो कालक्रम था वो इन्हीं से प्रारंभ होता है और इतनी ज्यादा प्रभावित हुई कि इन्होंने जो संस्मरणात्मक रेखा चित्र खींचे हैं उसमें रविंद्रनाथ टैगोर का भी वर्णन किया है। उनसे प्रभावित होने के बावजूद ही इन्होंने ये प्रणाम निबंध लिखा और उनको ये श्रद्धांजलि अर्पित करता है। महादेवी जी के रेखाचित्रों की उल्लेखनीय विशेषता यह भी है कि उनमें चिंतन के साथ साथ अनेक स्तरों पर समाज की आलोचना भी मिलती है। यहाँ कहने का मतलब यह है कि महादेवी वर्मा के जो संस्मरणात्मक रेखाचित्र है, निबंध है, उसमें उनमें गहन चिंतन है, विचारशीलता है, आत्मिकता है, मार्मिकता है और समाज की और उस क्षेत्र की जो समस्याएं थी उन समस्याओं के ऊपर भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा है और समाज की जो आलोचनाएं हुई उसका बहुत बड़ा इन्होंने खंडन भी किया है। जो समाज में व्यापक बुराइयां थी, जो समाज में प्रचलित प्रथाएं थी, उन सब का इन्होंने आलोचनात्मक लेखन किया है। इस निबंध में उन्होंने टैगोर जी के व्यक्तित्व को रेखांकित किया है। यहाँ पर यह भी बतलाया जा रहा है आपको कि प्रस्तुत जो निबंध है इसमें रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन को, उनके व्यक्तित्व को, उसकी उनकी पर्सनैलिटी को रेखांकित करने का महादेवी वर्मा जी ने प्रयास किया है। महादेवी वर्मा बताते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे वीरत रचनाकार है जिन्होंने अनेक विधाओं में उच्च कोटि की रचनाएं दी है। मतलब कहने का मतलब है कि रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसे रचनाकार है जिन्होंने हिंदी साहित्य की अनेक जो विधाएं हैं, जैसे जीवनी है, उपन्यास है, नाटक है, कहानी है, रेखा चित्र है, रेपोताड है, इन सब पर उन्होंने बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ अपने साहित्य में शामिल किया है। अनेक प्रकार की विधाओं में हमें इनकी ये रचनाएं उपलब्ध हो जाती है। इन्हीं का ताना बाना बूंद करके महादेव वर्मा हमारे सामने रविन्द्रनाथ टैगोर का एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र खींचती है और बतलाती है कि किस प्रकार से रविन्द्रनाथ टैगोर ने महादेवी वर्मा जी के जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। आगे महादेवी वर्मा कहती है, महादेवी कहती है कि कवि रविन्द्रनाथ टैगोर की यह बहुत बड़ी विशेषता है कि उन्होंने मनुष्य की जो लघुता को जानते हुए भी मनुष्य की महानताओं को अपनी रचनाओं में स्थापित किया है। मतलब कहने का मतलब यह है कि महादेव वर्मा बतलाते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी लेखनी के द्वारा अपनी रचनाओं में कि मनुष्य की जो लघुता है उसको ध्यान में न रख करके उस मनुष्य की महानताओं के गुणों का, उसके बखानों का, उसके अच्छे कर्मों का भी अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। उन्होंने साधारण जन की प्रतिष्ठा अपनी रचनाओं में की
साधारण से साधारण जो व्यक्तित्व है उसका लेखन अपनी रचनाओं में किया है। कई कवियों की विशेषता होती है कि जो अच्छे पद पर आसीन है, जो समाज का बुद्धिजीवी वर्ग है, धनी वर्ग है, उनके बारे में ही लिखते हैं। लेकिन महादेवी वर्मा कहती है कि रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसे साहित्यकार या ऐसे निबंधकार है या रचनाकार है जिन्होंने मनुष्य की लघुता को जानते हुए भी उस मनुष्य की महानताओं के गुणों का अपनी रचनाओं में उसको स्थान दिया है। फिर आगे महादेवी वर्मा कहती है कि उनके साहित्य में हम अपना वर्तमान दे सकते हैं और भविष्य के लिए प्रेरणा दे सकते हैं। मतलब उनका जो उनकी जो रचनाएं हैं, उनका जो साहित्य है, जो हमें वर्तमान तो दिखलाता ही है, साथ साथ में भविष्य को भी या भविष्य के लिए भी हमें प्रेरणा देता है। प्रस्तुत निबंध में महादेवी जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से टैगोर जी के जीवन को अपने शब्दों में घेरा है। प्रस्तुत पाठ को जब आप अपने पाठ्य पुस्तक में पढ़ोगे तो आपको बहुत ही सुंदर ढंग से, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। यहाँ पर महादेवी वर्मा जी ने टैगोर जी के हर पल को, हर उस कृत्य को अपनी लेखनी के द्वारा उकेरा है और उस हर पल को छुआ है, महसूस किया है कि किस प्रकार रविंद्रनाथ जी का टैगोर, रविंद्रनाथ जी का जो जीवन है बहुत ही सरल, उच्च विचारशील है और बहुत ही प्रेरणादायक है। इसी को ध्यान में रखते हुए वर्मा जी ने प्रस्तुत प्रणाम निबंध लिखा है। मुझे लगता है यह जो प्रणाम निबंध है इसकी जो मूल भावना है आपको समझ में आ गई होगी। आगे हम इसका क्वेश्चन करते हैं तो आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो अपनी नोटबुक निकालें, उसमें नोट करें। नोट क्या करना है, एक प्रश्न है, उस प्रश्न को लिखें आप। लिखें महादेवी वर्मा के संस्मरणात्मक निबंधों की संस्मरणात्मक, देख लीजिए बोर्ड पर कैसे लिखते हैं। संस्मरणात्मक संस्मरणात्मक निबंधों की विशिष्टता बताते हुए प्रणाम निबंध का सार बताएंगे। प्रणाम निबंध का सार बताएंगे। लिख लिया आपने प्रश्न, तो उसमें लिखें आप, उत्तर लिखें। महादेवी वर्मा जितनी बड़ी कवयित्री है उतनी ही बड़ी गद्यकार है। उनके लिखे रेखाचित्र हिंदी गद्य साहित्य में विशिष्ट स्थान रखते हैं। मतलब इन्होंने जितने भी निबंध लिखे हैं, रेखाचित्र लिखे हैं, वो हिंदी साहित्य में अलग स्थान रखते हैं। बहुत ही सुंदर ढंग से इन रेखाचित्रों को इन्होंने घेरा है और इतना
इतना गहन चिंतन किया है कि वास्तव में वो लगता है कि कवि की या किसी रचनाकार की सारा का सारा साहित्यिक जीवन हमारे सामने उभर कर आ जाता है। उनके निबंध गंभीर तथा भाव प्रधान होते हैं। आगे लिखे उनका प्रणाम शीर्षक निबंध विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर के प्रति श्रद्धांजलि है। इस निबंध में उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर के व्यक्तित्व को रेखांकित किया है। लिख लिया। आगे लिखे हैं डाले संस्मरणात्मक निबंधों की मुख्य विशेषताएं। संस्मरणात्मक निबंधों की मुख्य विशेषताएं इसमें लिखे प्रणाम शीर्षक निबंध। प्रणाम शीर्षक निबंध उनके पथ के साथी शीर्षक ग्रंथ से लिया गया है। इसमें लेखिका ने सात साहित्यकारों के साथ साहित्यकारों के बहिरंग एवं अंतरंग। बहिरंग का मतलब जो उन्होंने लेखन कार्य किया उनका जो आंतरिक, अंतरंग व्यक्तित्व का विश्लेषण एवं उनके कर्तृत्व आदि का मार्मिक वर्णन किया है। आगे लिखे आप महादेवी जी के संस्मरणात्मक रेखा चित्रों की विशेषता यह है कि उनमें विवेचन व्यक्ति के जीवन के साथ उनका अपना जीवन और व्यक्तित्व भी सम्मिलित है। इन निबंधों में उन्होंने अपने जीवन की बातें कौमा अपने विचार और अपनी रुचियां तथा भावनाओं को भी व्यक्त किया है। यही कारण है कि प्रणाम निबंध में जहां हम टैगोर के व्यक्तित्व और कृतित्व से परिचित होते हैं वहीं महादेवी जी के जीवन जीवन दर्शन व्यक्तित्व और कर्तृत्व से भी
परिचित होते हैं। मतलब कहने का ये है कि महादेवी जी ने प्रणाम निबंध में जिस प्रकार से टैगोर जी का उनका व्यक्तित्व है, उनका कृतित्व है, उनका चिंतन है, जिस प्रकार से उन्होंने उस सभी भाव अपनी लेखनी के द्वारा, अपने भाव के द्वारा उकेरा है, ऐसा लगता है कि हम भी रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ साथ महादेवी वर्मा जी के व्यक्तित्व को, उनके जीवन दर्शन को और उनके कर्तित्व से भी परिचित हो रहे हैं। आगे लिखे हैं, महादेवी जी ने अपने रेखा चित्रों के माध्यम से व्यक्तियों से घनिष्ठ परिचय प्राप्त कर उनका सच्चा चित्रण करने का प्रयत्न किया है। मतलब जो भी उन्होंने संस्मरणात्मक निबंध लिखे हैं तो उनके साथ उनका गहरा रिश्ता रहा है, उनके हर पहलू को महसूस किया है, उसके बाद उन्होंने उनके बारे में लिखा है, जो कि ऐसा लगता है कि वास्तव में सच्चा चित्रण, सच्चा जीवन हमारे सामने उभर के आ रहा है। लेखिका ने वर्ण्य साहित्यकारों के रेखांकन में पर्याप्त रूप से संयम से कार्य किया है। आगे लिखे, महादेवी कवित्री ही नहीं विचारक भी है, अतः साहित्य कौमा समाज कौमा देश और विश्व की अनेक समस्याओं और प्रश्नों को प्रसंगानुसार उठाते हुए उन पर विचार करने का प्रयत्न भी उन्होंने किया है। लिख लिया। आगे लिखे, महादेवी जी की अपनी एक विशेष गद्य शैली है। महादेवी जी ने महादेवी जी के रेखा चित्रों की भाषा प्राय संस्कृतनिष्ठ रही है और स्वाभाविकता ही उनकी भाषा की उल्लेखनीय विशेषता रही है। तो ये तो हो गया महादेवी जी के संस्मरणात्मक जो निबंध है उनकी विशेषताओं के बारे में। अब क्वेश्चन में ये भी बताया गया है, ये भी पूछा गया है कि प्रणाम निबंध किया प्रमुख जो सार है उसके बारे में ये बताया गया। इसमें लिखें, हेडिंग डालें, प्रणाम निबंध का मूल सार। प्रणाम निबंध का मूल सार, इसमें आप लिखिए, प्रणाम शीर्षक निबंध में, प्रणाम शीर्षक निबंध में महादेवी जी ने टैगोर के व्यक्तित्व एवं
कृतित्व को रेखांकित किया है। महादेवी जी के मन में टैगोर के प्रति पूज्य भाव है। वे मात्र पथ के साथी ही नहीं, पथ प्रदर्शक भी है और साथ ही महा संदेश वाहक भी है। अलग पहले लिखे महादेवी जी के शब्दों में कवि रविंद्र उन विरल साहित्यकारों में से एक थे जिनके व्यक्तित्व और साहित्य में अद्भुत सामंजस्य मिलता है। उनके काव्य से परिचित होकर ऐसा जान पड़ता है कि मानव व्यक्ति ही तरल होकर फैल गया है। मतलब उनका पूरा का पूरा जीवन का सार हमारे सामने प्रस्फुटित हो गया है। महादेवी जी ने गुरुदेव के ओजस्वी व्यक्तित्व, उनके मुख की सौम्यता, चमकती आंखों, यहां तक कि उनके जीवन के पल पल समय को भी रेखांकित करने का प्रयास किया है। महादेवी जी बतलाती है कि रविंद्र से बचपन से ही, या यूं कहें विद्यार्थी जीवन से ही प्रभावित हो गई थी। लेखिका ने उनके प्रति श्रद्धा प्रकट की है। नहीं पहले से लिखे जहां तक गुरुदेव के कृतित्व का प्रश्न है, उसकी उत्कृष्टता मैं किसी को संदेह नहीं हो सकता। इसका कारण यह भी है कि उन्होंने जीवन को संपूर्ण व्यापकता के साथ किंतु मौलिक रूप में भी देखा है। कहने का मतलब है कि महादेवी वर्मा जी ने गुरुदेव के जीवन को सर्वव्यापकता के साथ साथ उनके मौलिक गुणों को भी देखा है, महसूस किया है उनके कृतित्व के द्वारा। उन्होंने जो जो रचनाएं लिखी उन रचनाओं में उनके क्या विचार थे,
क्या चेतना थी, क्या उनका चिंतन था, उन सभी का बहुत ही सुंदर ढंग से गहन अध्ययन किया। और यहाँ तक कि आपको पता है कि लेखिका बताती है कि टैगोर जी से वह विद्यार्थी जीवन से ही प्रभावित थी और तब से उनके साथ रह करके अपना भी कर्तृत्व जीवन या अपना भी साहित्यिक जीवन जी रही थी। आगे लिखे आप, जीवन के व्यापक विस्तार में बहुत कम ऐसा मिलेगा जिसे उन्होंने नया आलू फेंककर नहीं देखा और देखकर जिसकी नहीं व्याख्या नहीं। साहित्यकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण है मानव और मानव में उसकी गहरी आस्था। अतः वे किसी को भी त्याज्य अथवा निकृष्ट नहीं मानते थे। महादेव वर्मा यहाँ पर यह कहती है कि गुरुदेव ने जिस व्यक्तित्व का वर्णन किया है तो उसमें उन्होंने उस मानव के प्रति गहरी आस्था रखी, उसको त्याज्य रूप में या उसको निकृष्ट रूप में नहीं देखा, उसके हमेशा अच्छे गुणों को भी ध्यान में रखा है, यूं नहीं कि उसको त्याज्य किया या निकृष्ट बताया, ऐसा नहीं है। आगे लिखिए आप, सभी मनुष्य सद है मतलब अच्छे हैं और साहित्य का विषय। यहाँ पर कवि का कहने का मतलब है कि समाज में जो भी व्यक्ति है वो सभी अच्छे हैं, हम किसी को निकृष्ट नहीं कह सकते। हालांकि होता क्या है कि हम मनुष्य में जो बुरी भावनाएं हैं या जो उसके दुर्गुण हैं उसको सबसे पहले इंगित करते हैं, जबकि टैगोर जी कहते हैं कि हमें उन अवगुणों को न देख करके उसके अंदर समाहित अच्छे गुणों को देखना है और उसी को ही रेखांकित करना है। तो यहाँ पर आगे लिखे आप, सभी मनुष्य सद है मतलब अच्छे हैं और वे साहित्य के विषय हैं। आवश्यकता केवल इस बात की है कि हम उन्हें सचेत करें और उन्हें बतलाएं कि वे महान हैं और महानता के बीच है जिन्हें उनको पल्लवित करना है। उन्होंने जो कुछ भी कहा है वह उनसे पहले भी कहा गया है, किंतु उनकी कथन शक्ति निराली है और वह उनकी अपनी है। उनकी महानता पर प्रकाश डालते हुए लेखिका ने लिखा है कि विशाल और शिव सुंदर के पक्ष का समर्थन सभी करते हैं क्योंकि वे स्वतः
प्रमाणित है, परंतु विशालता, शिवता और सुंदरता पर क्षुद्र, असीम और विरूप का दावा प्रमाणित कर उन्हें विशाल, शिव और सुंदर में परिवर्तित कर देना ही किसी महान का ही सृजन हो सकता है। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि कवि ने, टैगोर जी ने ऐसे ऐसे व्यक्तित्व के ऊपर अपनी लेखनी चलाई है जिसको एक नया रूप दे दिया है। उसका ऐसा सर्जन, ऐसा निर्माण किया है कि वो वास्तव में प्रस्फुटित हो जाता है, वास्तव में एक नए निर्माण के साथ ही एक नया जीवन जीने लगता है। आगे लिखिका कहती है, रविंद्र के शब्दों में मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जन्म तो बहुत मिले पर साधारण कोई नहीं मिला। जन का मतलब व्यक्ति, लोग, वो तो बहुत मिले लेकिन साधारण कोई नहीं, उनमें कोई ना कोई एक नई विशेषताएं जरूर थी, नई नई विशेषताओं में उनका कहीं ना कहीं समावेश था। गुरुदेव के महाप्रयाण की कल्पना महादेवी जी के लिए असहाय है, किंतु जो अवश्य भावी है उसे कौन रोक सकता है। उनके प्रयाण से साहित्य जगत को जो अपूर्णीय क्षति हुई है उसकी ओर महादेवी जी ने इंगित किया है। इस प्रकार संक्षेप रूप में कहा जा सकता है कि इस संस्मरणात्मक रेखाचित्र में, इस संस्मरणात्मक रेखाचित्र में महादेवी जी ने रविंद्र जी के साहित्यिक और उनके व्यक्तित्व को सहानुभूति के आधार पर बड़े ही सुंदर ढंग से रेखांकित करने का प्रयास किया है। तो ये क्वेश्चन यही कंप्लीट होता है। मुझे लगता है जब आप इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन के आंसर को पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से महादेवी वर्मा जी ने कविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन में उनके हर पहलू को छुआ है, उनके व्यक्तित्व और उनकी साहित्यिक साधना के बारे में गहन अध्ययन करके उनके साथ बिताए हुए समय को देखते हुए, उस बिताए हुए पलों को देखते हुए उन्होंने उनके जीवन के, उनके व्यक्तित्व को बहुत ही सुंदर ढंग से, सहजता से लिखा है और बतलाया है कि इनका व्यक्तित्व और उनका कर्तित्व वर्तमान ही नहीं
आने वाले समय के लिए भी प्रेरणादायक है। जो प्रेरणा मुझे मिली वही प्रेरणा आने वाले समाज को भी मिलती रहे। इसी क्रम के साथ हम आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जाने से पहले मैं यही कहूँगा, दोबारा यही ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि आप घर पर हैं, सुरक्षित हैं और आपका परिवार आस पड़ोस सुरक्षित रहे, सावधान रहे, सतर्क रहे। धन्यवाद।